नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और आप देखिए खास खबरें। शुक्रवार को एक तस्वीर देखने को मिली जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली तो नहीं है, बस ये रहा कि एक एजुकेटेड महिला उस बात को मानने को तैयार नहीं थी जो सामान्य तौर पर अधिकांश आम जन भी मान चुके हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शुक्रवार की शाम को रेलवे स्टेशन के सामने SDM मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार पूनम शाहू दलवल के साथ रोको टोको अभियान चला रहे थे और इस दौरान आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि वे आखिर क्यों आ जा रहे हैं, उन्हें क्या काम है। इसी दौरान एक कार में बैठी भद्र महिला से जब उन्होंने पूछताछ की तो महिला नाराज हो गई और अधिकारियों को ही सारी बातें सुनाते हुए नियम कानून का पाठ पढ़ा दिया और फिर चली गई। देखिए पूरा वीडियो। अच्छा, घूमने निकले हैं, मुझे बोलने देंगे काफी जानती है सब कुछ, तो फिर आप क्यों बोल रही हैं कि घूमने निकले? अरे भाई, लंच मत लगाइए, आप एक महीने यहां बैठे हुए हो, तो आगे बोलना तो दीजिए, बेंच पे आइए ना आप, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे बन गए, कानून बन गया, देखो कॉलेज का होना कानून में आंदोलन कर रहा है, मैंने अपने सलाम ने कहा बहुत देर से ही सही, प्रदेश सरकार को यह समझ आ गया कि कोरोना के नाम पर लूटमार मची हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर एम्बुलेंस, मरीजों पर बिना दया करे जमकर वसूली की जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री ने आदेश पारित कर दिए हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, आदेश का पालन कराना बेहद कठिन होता है, वैसा ही हो रहा है। व्यक्ति परिजनों की जान बचाने के चक्कर में शिकायत करने की बजाय मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने है, जो हमारे पास भी है, जो बहुत छोटा जरूर है लेकिन संदेश देने वाला है। शहर में चिकित्सकों के असिस्टेंट कंपाउंडर की इस समय चांदी कट रही है और वह भी मानवता को तार तार करने में लगे हुए हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हॉकी खिलाड़ी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव राजेश पंडित ने एक कंपाउंडर को फ़ोन लगाया और उन्हें एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग को इंजेक्शन लगाने का आग्रह किया, तो कंपाउंडर ने दो टूक जवाब दिया कि एक बार इंजेक्शन लगाने के वे 500 रुपये लेंगे। खास बात यह है कि इस तरह के आदेश और मानवता का संदेश देने वाले कितने भी वीडियो, आदेश और किताबें लिख दी जाए तो जिन लोगों को यह देखना है, पढ़ना है, वे देखते पढ़ते ही नहीं हैं और लगातार वही काम करते रहते हैं। मानवता अंदर होती है जो किसी के बताने से सामने नहीं आती। मानवता को तार तार करने वाले ये जाहिल ऐसे नहीं सुधर सकते, इन्हें जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जो मानवता को तार तार कर रहे हैं उनकी शिकायत होना चाहिए, उन पर जुर्माना होना चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए, तभी उन पर कोई फर्क पड़ सकता है। मानवता को तार तार करने वाला ये ऑडियो सुनिए। हाँ भैया, पंडित जी बोले। भैया मेरे को नवल वीएस नंबर लिया था आपका। हाँ हाँ बोले। वो आजाद पंडित, ये भारत माता चौराहे पर हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी को कैंसर है एक्चुअल में। हाँ। तो पहले के कुछ दिनों से एक नर्स आ रही थी वहाँ पर वो लगाने के लिए इंजेक्शन, क्योंकि वो मित्र तो बाहर है। तो क्या हुआ कि वो अभी कोरोना में शायद उनकी कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ले लिया है उन लोगों को, उन्होंने आना बंद कर दी। तो अपने को इंजेक्शन लगवाने थे अभी उनसे रोज। भैया मैं कहा तो दूंगा, लेकिन क्या है, ये कोरोना चल रहा है जी, वो लोग निकलते ही नहीं, घर में अकेले ही हैं, वो कोई करने वाला नहीं है। मैं जो है क्लियर की बता दूं आपको, क्योंकि मैं पेशेंट को सभी देख रहा हूँ। हाँ, मेरा एक टाइम का 500 रुपये है। अच्छा, एक टाइम का 500 रुपये जी।
ठीक है भाई साहब, मैं राजेश पंडित बोल रहा था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। अरे तो अरे यार राजेश मेडिकल वाले वो। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 25 साल हो गया। पर ऐसा मत करो, खैर मैं अब आपसे क्षमा चाहूंगा, पर ऐसा मत करो यार बड़ा। अरे सुनो यार, तुम पहले ऐसा परिचय देना चाहिए ना मेरे को। मेरे को नवल भी है, क्या है नवल भी है, उधर फंसे हुए हैं, सूरज ने बंद कर दिया, नहीं तो सूरज भी आ जाता मेरे कहने पे। अरे यार पटेल साहब भी नहीं, आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो। मैं भी क्या कर रहा, मैं बस एक मदद के तौर पे आगे आया यार, क्योंकि वो उसका पिताजी, उसका लड़का CRPF में दिल्ली में फंसा है और वो घर पे लेटे पड़े हैं। तो हम लोग क्या ये सेल्फ अभी जो क्या कहते डेस्क से चला रहे हैं ना। अरे गुरुजी आप बोल रहे हैं ना, हेल्प डेस्क चला रहे हैं। अरे आप यार मैं सुनो तो, हाँ मैं हेडा जी के सामने वाली गली में ही देते थे। हाँ राजेश पंडित, कोई दिक्कत नहीं, जो देना वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो मैं लगा दूंगा। मेरे 500 से मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ जो देंगे वो रख लूंगा। ठीक है। हाँ एक बात और याद आई कि पिछले दिनों इटारसी के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचने की पोस्ट मेरे द्वारा की गई थी। वह जानकारी मुझे शहर के जाने माने युवा और सबके चहेते सागर भेरुआ द्वारा दी गई थी, जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन यदि उस समय उन्हें उनके हिस्से का रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। सन्नी कोरी नाम का एक बदमाश पत्ती बाजार में मटकों की दुकान लगाने वाले गरीबों को परेशान कर रहा है। शुक्रवार को बदमाश ने मटके फोड़ दिए, जिससे इन गरीबों को भारी नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि इसकी शिकायत थाने में पहुंचने के बाद भी यह गुंडा गरीबों को धमका रहा है। हालांकि इस बात की सूचना पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने TIRS चौहान को दी तो उन्होंने ASI संजय रघुवंशी को मौके पर जाकर जानकारी लेने के निर्देश दिए। ASI संजय रघुवंशी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से जानकारी ली। इधर एक दिन पहले पीड़ित परिवार थाने पहुंचे थे, उनके पक्ष में पत्रकार बसंत चौहान भी पहुंचे। यहां पर थाने में उन्हें SI GS रघुवंशी मिले, जो कुंडल पहनते हैं। उन्होंने पत्रकार बसंत चौहान से बदजुमानी करते हुए कहा कि यहाँ नेतागिरी कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब देते हुए पत्रकार बसंत चौहान ने कहा कि अभी नेतागिरी बताई नहीं है, यदि बता देंगे तो आप थाने में रह नहीं पाओगे। लेकिन SI रघुवंशी का यह व्यवहार कतई व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ आने वाले व्यक्ति से तरीके से पेश आना चाहिए। हर व्यक्ति को पुलिसिया अंदाज में नहीं तोलना चाहिए। खैर इस बात, इस तरह का व्यवहार करने वालों के साथ कई फैक्टर काम करते हैं, कई फैक्टर असर डालते हैं और इन फैक्टर्स को उजागर करना ठीक नहीं है। तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।